इस बीच एक और बड़ा अपडेट है, दिल्ली कंजावला केस का एक और गवाह भी सामने आया है। जी मीडिया पर वारदात का चश्मदीद भी सामने आया। क्या देखा था आपने, जो पुलिस को क्या बताया? पुलिस को जो मैंने ये बताया, मैं कंजावला की तरफ से आ रहा था, अगरसैन हॉस्पिटल वाले रोड पे मुझे मुड़ना था। मैंने जैसे ही मुड़ने को हुआ, वहाँ से वो गाड़ी आई। अब मेरी गाड़ी उनकी गाड़ी थोड़ी सी टकराने से बची और मेरी बाइक होगी अनबैलेंस। तो जैसे मेरी मैंने अपनी बाइक संभाली, वो रोहिणी की तरफ को मुड़ चुके थे उस टाइम। रोहिणी की तरफ को जैसे ही वो मुड़े ना, 100 से 150 मीटर की दूरी पर एक पुलिस चौकी है उधर रेड लाइट पे, 100 से 150 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है। उस चौकी को देखकर उन्होंने वापसी यू टर्न गाड़ी मोड़ी। जब गाड़ी उन्होंने मोड़ी तो गाड़ी की बहुत तेज आवाज आई थी, सिंगल रोड पे उन्होंने। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गाड़ी मोड़ी थी तो उस टाइम जब मैंने पीछे मुड़कर देखा गाड़ी की, जब आवाज आई थी, मैंने मुड़ के जब ही देखा था, क्योंकि आवाज की वजह से। बाकी ये तो मेरे साथ होता ही रहता है, क्योंकि 100-150 किलोमीटर में गाड़ी चलाता हूँ, ये छोटे मोटे होते ही रहते हैं। तो जब मैंने मुड़ के देखा तो लड़के का सर लटक रहा था गाड़ी में से। उस टाइम मैं देख के थोड़ा डर गया, समझ में नहीं आया क्या हुआ ये। तो मैं रेस्टोरेंट पास में ही था, मैं रेस्टोरेंट चले गया, वहाँ खड़ा हो गया। मैं वहाँ खड़ा बहुत देर रहा, वहाँ से ऑर्डर लेकर मैंने डिलीवर करा। जब मेरे को लगा कि यार बताना चाहिए पुलिस वालों को, तो उस टाइम मैंने ना सेक्टर 24 की तरफ ही जा रहा था, वहीं वो चौकी भी वही चौकी पड़ रही थी। तो उस चौकी पे उस टाइम कोई था नहीं, रास्ते में दो पुलिस वाले मिले, उन्हें मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे मैंने देखा है, आप एक बार देख लो, ऐसे ऐसे गाड़ी पर जाते हुए मैंने देखा है, कंजावला की तरफ गाड़ी गई है, ऐसे देख लो। तो उन पुलिस वालों ने मेरे से ये बात बोली कि तेरे तो नहीं लगी, मगर नहीं जी बाकी हम देख लेंगे, तू जा। क्या टाइम रहा होगा, और जब ये पिछला देखा था लड़की को गाड़ी के नीचे फंसे देखा था, तो उस वक्त क्यों नहीं मन में आया कि 100 नंबर कॉल कर दी जाए इमरजेंसी पर? मेरे पे एक ऑर्डर था, वो भी डिलीवर करना था, क्योंकि मेरी अगर मैं वो नहीं करता तो मेरी नौकरी भी जा सकती थी, क्योंकि उस टाइम न्यू ईयर वाला दिन था, मेरी मतलब आईडी भी सस्पेंड हो सकती थी जो मैं जॉब कर रहा हूँ उसकी। और इसमें अगर बात करें कि गाड़ी कितनी स्पीड पे थी, क्या गाड़ी थी 40 से लेकर 60 की स्पीड पे, और गाड़ी में कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था, म्यूजिक नहीं बज रहा था। आज पुलिस ने आपको बुलाया था सुल्तानपुरी थाने में, क्या बताया उनको? जो क्या मैंने देखा उनको वो बताया। घटना के बारे में जानकारी कैसे मिली आपको? मैंने मेरे यार दोस्त, अब ये जो घटना हुई थी मेरे आज रात को 1:30 बजे के करीब, मेरे यार दोस्त बात कर रहे थे, जब मैंने उनसे बोला कि यार ये तो मैंने देखा ही, ये मेरे सामने हुआ था, ये मैंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म भी करी थी दो पुलिस वालों को, तो उन्होंने बोला आपके जो हो गया तो हो गया। फिर मेरे को लगा कि बताना पुलिस वालों को जरूरी है जो चीज़ मैंने देखी थी, क्योंकि न्यूज में आ रहा था कि गाड़ी में गाने चल रहे थे, मेरे उस टाइम गाड़ी में गाने नहीं चल रहे थे, जिस टाइम मेरे बगल में गाड़ी गुजरी थी मेरे बगल। कल शाम को गई थी 6-7 बजे के बीच में, कि मैं इवेंट पे जा रही हूँ, मम्मी मैं काम पे जा रही हूँ। मैंने ठीक है बेटा, काम तो इवेंट का करती थी वो, मेरे से बोल के गई थी मैं इवेंट के काम पे जा रही हूँ, मैं सुबह तक या रात तक लौट लूंगी, अगर मेरा जल्दी काम खत्म हो जाएगा तो मैं जल्दी लौट लूंगी, नहीं तो सुबह तक आ जाऊंगी। अच्छा। फिर मैंने 9 फोन बजे करा, 9 बजे रात के, मैंने बेटा अभी तक आई नहीं तू? कह रही नहीं मम्मी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मैं सुबेरे तक आऊंगी। फिर 10-10:30 बजे हमने फिर कॉल करी, फिर स्विच ऑफ आ रहा था, फिर नहीं उठाया उसने कॉल। सुबेरे पुलिस वालों ने कॉल करा कि तुम्हारी इस नंबर की गाड़ी है, मैंने हाँ हमारी इस नंबर की गाड़ी है, तो कह रहा इस लड़की इसके पास कौन था, मैंने मेरी बेटी चला रही थी, कह रहे उसका एक्सीडेंट हो गया है, आप यहाँ आ जाओ। दिल्ली पुलिस से कुछ सवाल हैं कंजावला केस के बारे में। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ये बताए कि लड़की के साथ यौन शोषण हुआ था या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की जा रही थी, कुछ लड़कों ने उसको छेड़ने की कोशिश करी, जब लड़की ने प्रोटेस्ट किया तो उसका ये हाल किया गया। दूसरा वो ये बताएं कि कितने किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया है। तीसरा मुझे ये बताएं कि क्या इतने किलोमीटर तक कोई पीसीआर वैन खड़ी नहीं थी, कोई चेक पोस्ट नहीं था जिन्होंने उन आदमियों को रोकने की कोशिश करी हो?
चौथा वो ये बताएं कि क्या कार्यवाही करी गई, जैसे ही जब कॉल आई पहली पीसीआर के ऊपर तो क्या एक्शन लिया गया, उस गाड़ी को ढूंढने के लिए, उस गाड़ी तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस ने क्या क्या कार्यवाही करी। पांचवा वो ये बताएं कि ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं क्या इनके ऊपर पहले भी कोई मुकदमे चल रहे थे। ये सारे के सारे सवाल बहुत जरूरी है, जो दिल्ली पुलिस को हमने समन्स इश्यू करे हैं उनको हमारे सामने पेश होना है और इन सब सवालों का मुझे जवाब देना है। ऐसा अत्याचार करने वाला किसी पार्टी का नहीं हो सकता। हम आम आदमी पार्टी नहीं है कि हम अपराधी भी अपना और पराया देख के सोचेंगे। इनको ये जो भी हो, ऐसे दानवों को हैंग करना चाहिए, तेजी से केस चलाना चाहिए। इतना मन खराब है हमारा आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है आम आदमी पार्टी। क्या ये कितनी छिछले स्तर की बात कर रही है? जो दानव है वो दानव है, वो गलती से भी किसी पार्टी का सदस्य भी बना होगा तो भी उसको कड़ी से कड़ी उस पार्टी को सजा की मांग करनी चाहिए। क्या आम आदमी पार्टी कर सकती है? सौरभ भारद्वाज अपनी पार्टी के जो जो गुनाहगार हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं वो लोग, क्या इस पे सौरभ भारद्वाज खुल के कह सकते हैं? संजय सत्येंद्र जैन को, उसको अपने किए की सजा मिले उसकी बात कर सकते हैं? जमुना को गंदी करने की सजा इन सबों को मिले कर सकते हैं? ये नहीं करेंगे तो इनकी बात छोड़ दीजिए। ये बहुत बहुत निचले स्तर पे बात कर रहे हैं। यहां तो जो भी हो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, जो उस बिटिया के साथ, बेटी सबकी होती है, हमारी भी बेटी थी वो, हमारी भी बहन थी वो, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी इतनी निचले स्तर की बात करती है, ये इसमें भी अपने अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।